अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ मेटाफर। मेटाफर क्या है? अ मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली एंड इन इट सच वर्ड्स एज लाइक एज और सो आर नॉट यूज्ड। इट डजंट से दैट वन थिंग इज़ लाइक एन अदर, इट प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वर वन। सिमिली में हम क्या करते थे कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते थे उनकी कॉमन फीचर्स की वजह से, तो हम वर्ड्स यूज़ करते थे लाइक एज और सो, सिमिलर टू, सीम्स, ये वर्ड्स यूज़ करते थे हम इस एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा कहते थे। लेकिन मेटाफर में हम इन वर्ड्स का यूज़ किए बगैर दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और एक चीज़ को दूसरे की जैसा नहीं कर कहते, बल्कि हम ऐसे बात करते हैं जैसे दोनों चीज़ें एक ही हों। सिमिली में हम, सिमिली की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम कहते थे कि ही इज़ लाइक अ मून, वो चांद के जैसा है। हमने यहाँ पे लाइक का वर्ड यूज़ किया है, ही इज़ लाइक अ मून। लेकिन मेटाफर में हम ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि हम मेटाफर में कहेंगे ही इज़ अ मून, वो एक चांद है। मेटाफर को उर्दू में हम कहते हैं इस्तारा। तो इस्तारे में हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को हम उधार ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मून को उधार ले लिया है लड़के के लिए, तो लड़का क्या है? चांद है। लिटरली तो वो चांद नहीं है, लेकिन चूँकि वो खूबसूरत है चांद की तरह, तो हमने उसको चांद कह दिया है। ही इज़ अ मून, ही इज़ लाइक अ मून, ये सिमिली है, और ही इज़ अ मून ये मेटाफर है। इसकी एक और एग्जाम्पल है, ही फोट लाइक अ लॉयन, ये सिमिली है कि वो शेर की तरह लड़ा। लेकिन मेटाफर में हम क्या करते हैं कि ही वॉज अ लाइन इन द फाइट, फाइट में वो एक शेर था, लाइन था, यानी वो बहादुर इतना ज़्यादा था जैसे शेर है। तो यहाँ पे सिमिली नहीं है बल्कि मेटाफर है कि ही वॉज अ लाइन इन द बैटल, इन द फाइट। आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।